सांसद सुरेश कश्यप ने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पछाड़ विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज इलाके रासू मांदर का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कोटी पदहोग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियों का झांसा देकर लोगों को गुमराह किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य के लिए 1,75,00,000 रुपए की राशि सांसद निधि से दी गई है ताकि क्षेत्र के विकास में कोई कमी न रहे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। जानते हैं कि आज बच्चा बच्चा इस बात से जो है वाकिफ है, आज बच्चे बच्चे को इस बात का ज्ञान है। आज हमारा मेरा बूथ सबसे मजबूत और इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो पूरे देश भर से मध्य प्रदेश में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गए थे उनको भी संबोधित किया, पूरे देश की जनता को भी संबोधित किया और जो विभिन्न प्रश्नों के द्वारा लोगों ने उनसे बहुत सारी बातें पूछी उसमें उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। निश्चित रूप से आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो आज पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। आज आपने अभी देखा होगा अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे, किस प्रकार से वहां पर उनका स्वागत किया गया और मुझे बताते हुए खुशी होती है जब वो अमेरिका की संसद को संबोधित कर रहे थे तो 15 बार अमेरिका के सांसद उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होकर तालियां बजाकर मोदी जी का अभिनंदन किया है। हमारा सीधा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और किस प्रकार से हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर जो आगे बढ़ा है।